रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है। जनपद गोंडा के थाना कौड़िया में पुत्र पैसों के लालच में आकर अपने एक साथी के साथ पिता की हत्या। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जनपद गोंडा थाना कौड़िया थाना अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा आज दो अभियुक्त प्रवीण तिवारी और रामकुमार पाठक और बड़को को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि जो ये अभियुक्त है ये प्रवीण तिवारी, इसके द्वारा 16 अगस्त को थाने में अपने पिता श्री राम सेवक तिवारी की गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र दिया गया था। बाद में इसके द्वारा जो है फिरौती है तो अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के द्वारा छानबीन की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कई टीमें लगाई गई, स्वाट को लगाया गया, सर्विलांस को लगाया गया टीम को, और कई थानों की पुलिस टीम के द्वारा आज इस घटना का अनावरण किया गया है। इनके पिताजी की जो डेड बॉडी थी 2 दिन बाद नहर से बरामद हुई थी। डेड बॉडी बोरे में भरी थी, उसमें ईंटे डाले गए थे। इस सब एहसास संकलन किया गया सीसीटीवी फुटेज से, सर्विलांस से, इंटरप्शन से ये बातें स्पष्ट हुई कि वादी जो प्रवीण तिवारी है इसी के द्वारा अपने साथी बड़कों के साथ मिल करके पिताजी को मार करके बोरे में बांध करके नहर में फेंका गया था। और आज गिरफ्तारी के समय पूछताछ में भी इसने जुर्म इकबाल किया है और ये बताया है कि मुख्य कारण ये था कि पिताजी के पास पैसा होने के बावजूद वो बड़े भाई और दूसरे भाई के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे, उसको नहीं दे रहे थे और उसके द्वारा लोन लेकर के घर चलाया जा रहा था। और भी समस्याएं थी जिसकी वजह से उसने अपने साथी के साथ मिलकर के अपने इस तरह का ये घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे प्रकरण में और भी जो विधिक कार्रवाई की जा रही है, फिलहाल इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की।